जूता उद्योग पर आधारित इस श्रृंखला में अब तक आपने देखा और सीखा कटिंग और कटिंग मशीन के कलपुर्जों को और फिर हाइड या स्किन की बारीकियों को। इस कड़ी में मैं आंचल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जूता देखने या पहनने से पहले भले ये बात हमारे जहन में ना आए कि लेदर से ही क्यों बनाए जूते, पर इससे लेदर की अहमियत नहीं घट जाती। तो क्यों ना एक पल रुक कर देख लें लेदर ही क्यों, क्योंकि अव्वल तो ये दुनिया भर में है, दूर दराज के गांव देहात में पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये प्राकृतिक है और अपने इस स्वरूप में बड़े बड़े आकारों में मिलता है। तकनीकी रूप से देखें तो लेदर इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है, जो जूता बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है। चूंकि चमड़ा एक रेशेदार पदार्थ है और इसकी विशेष बुनावट के कारण इसमें काफी मजबूती होती है। इसमें रोम छिद्र होने के कारण इससे हवा अंदर बाहर आ जा सकती है, जिससे चमड़े का बना जूता किसी भी मौसम में काफी आरामदायक होता है। ये गर्मी या ठंडक के लिए उपयुक्त होता है और इसके ऊपरी सतह के क्या कहने, जितना सुंदर है उतना ही रंगीन, और फिर इस पर ग्रेन के आकर्षक पैटर्न्स भी बनते हैं। अंत में यूं कहें कि लेदर का उपयोग कई मायनों में आसान होता है, पहनने में आसान, जूता बनाने में आसान। तो आपने देखा लेदर ही क्यों, इस पर विचार करने के बाद हम देखते हैं कि कितनी तरह के लेदर आमतौर पर फुटवेयर उद्योग में चलन में हैं। चमड़े के प्रकार। चमड़ा एक प्राकृतिक मटेरियल है और जानवर की खाल से बनाया जाता है। चमड़ा अपने आप में कुछ खास विशेषताएं लिए हुए होता है, जो इसे जूता बनाने के लिए एक बेहतर पदार्थ के रूप में पेश करता है। आमतौर पर जूता बनाने के लिए गाय और भैंस के चमड़े का उपयोग किया जाता है, लेकिन बकरी, भेड़, सुअर इत्यादि के चमड़े का उपयोग भी अपर और लाइनिंग बनाने में किया जाता है। चमड़े को उनकी ग्रेन संरचना, टैनिंग और फिनिश के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, तथा इनके इन्हीं गुणों के आधार पर इनका बेहतर उपयोग कटिंग के दौरान किया जाता है। गाय का चमड़ा हाइड, ये साधारणतया 25 से 50 स्क्वायर फीट का होता है। इसकी मोटाई 1.4 से 3 मिलीमीटर तक होती है। इसके ग्रेन छोटे छोटे, पास पास, रफ तथा काफी टिकाऊ होते हैं। ये सभी प्रकार के जूते बनाने में प्रयोग किया जाता है। बड़ा साइज होने के कारण रीढ़ की हड्डी से इसे दो भागों में बांटकर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाग को साइड कहा जाता है। भैंस का चमड़ा, इसके ग्रेन बड़े बड़े और असमान और दूर दूर होते हैं। इसके ग्रेन की संरचना पिन होल्स यानी छोटे छोटे छिद्रों की तरह होती है। अन्य सभी विशेषताएं गाय के चमड़े की तरह ही होती हैं। काफ लेदर, ये कम उम्र के बछड़ों से मिलता है। इसका आकार 4.5 से 7 वर्ग फुट तक
और मोटाई 1.2 मिलीमीटर तक होती है। ये भी दो प्रकार बेबी काफ और वियालर काफ के होते हैं। बेबी काफ लेदर टाइट और बारीक ग्रेन का ये लेदर वस्तुतः हल्का होता है और महिलाओं के जूते चप्पल बनाने में काम आता है। ये लचीला होता है। वियालर काफ इसका ग्रेन टाइट होता है। गोट लेदर ये 3 से 5 स्क्वायर फीट तक का होता है। इसकी मोटाई 0.8 से 1 मिलीमीटर तक होती है। ग्रेन पास पास होता है और इसका आकार उम्र के आधार पर अलग अलग होता है। ये कीमती जूते बनाने के काम आता है। शीप यानी भेड़ की स्किन यूं तो ये मजबूत नहीं होती और फिर अपनी खास नमी के कारण इसे कपड़ों के रूप में खूब पहना जाता है, पर कभी कभी लेदर के जूतों की लाइनिंग बनाने में इसका बखूबी इस्तेमाल होता है। पिग स्किन इसमें हेयर फॉलिकल्स स्किन के अंदर तक जाते हैं और अंदरूनी भाग में भी ये पैटर्न दिखाई देते हैं। इसे खास ढंग से जल एवं गंदगी रोधी बनाया जाता है। ये पहनने में कुछ कठोर होता है, पर अपने खास स्वरूप के चलते फैशन की दुनिया में इसकी अलग छवि है। आइए अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के लेदर जिनका आमतौर पर फुटवेयर उद्योग में उपयोग होता है। जूता बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अन्य चमड़ों के प्रकार फुल क्रोम ग्लेज्ड गोट, फुल क्रोम गोट स्वेड, फुल क्रोम काउ स्वेड, फुल क्रोम गोट मेटालिक, काउ करेक्टेड ग्रेन लेदर, काउ करेक्टेड ग्रेन स्मूथ फिनिश, प्रिंटेड लेदर, काउ सेमी एनिलिन, न्यू बक, बर्निश, ऑयल पुल अप, पीयू फिल्म कोटेड लेदर, काउ ड्रम डाइड लाइनिंग, काउ पिगमेंटेड लाइनिंग, ब्रश ऑफ, स्प्लिट लेदर, साइड लेदर। मूलतः डेयरी की गायों और बीफ वाले मवेशियों से ये मिलता है। ये क्रोम टेंट होता है और परिपक्व मवेशी के हाइड के आधे भाग में यही देखा जाता है। प्रिंटेड साइड लेदर बहुत अधिक निशान वाले लेदर जिन्हें स्मूथ करेक्टेड ग्रेन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर हैवी ग्रेन पैटर्न से ओवर प्रिंटिंग कर दिया जाता है। प्रिंटिंग के दौरान लेदर कुछ मजबूत तो होता है, पर कभी कभी उसकी मोटाई घट जाती है। गौरतलब है कि करेक्टेड ग्रेन लेदर और फुल ग्रेन लेदर दोनों पर बहुत अधिक पॉलिश्ड स्मूथ प्लेट के जरिए हेयर फॉलिकल प्रिंट भी कर दिया जाता है। फुल ग्रेन लेदर ये सबसे अच्छे हाइट से मिलता है। पेटेंट लेदर करेक्टेड ग्रेन लेदर की ऊपरी सतह पर अंशतः उबले लिनसीड ऑयल, पिगमेंट, ड्रायर्स और सॉल्वेंट आदि से पॉलिश की जाती है। कई बार एक के बाद एक कोट होने के बावजूद ये लेदर काम का नहीं रह पाता, क्योंकि मुड़ने पर या फिर अधिक ठंड पर इसमें दरार पड़ जाती है। अब तो मोटे तौर पर पॉलीयूरेथेन फिनिश से पेटेंट लेदर बनाया जाता है। ये हर मामलों में बेहतर होता है। पॉलीयूरेथेन पेटेंट लेदर पर किया गया कोट काफी मोटा होता है,
इसका क्योरिंग टाइम कुछ घंटे का होता है। इस लेदर का स्कफ रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है और इसे एक नम कपड़े से पोंछकर साफ किया जा सकता है। स्प्लिट लेदर। बकरी, सुअर या फिर भेड़ का लेदर स्प्लिट लेदर के तहत आते हैं। इसमें क्रोम स्प्लिट को पूरी तरह ट्रिम और शेव कर दिया जाता है। यदि स्प्लिट भारी बेहतर हुआ तो उससे अपर मटेरियल्स बनाए जाते हैं। इनका स्वेडिंग एवं डाइंग किया जाता है। तो दोस्तों, तरह तरह के लेदर की जानकारी के बाद अब जरा गौर से देखें लेदर की बनावट या कहें बुनावट को। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या होता है संतुलित कोरियम? कोरियम दरअसल हाइड का सबसे बड़ा, मोटा और महत्वपूर्ण भाग होता है। यह अधिक इलास्टिक नहीं होता क्योंकि इसके फाइबर, रुखड़ा और केमिकल कॉम्पोजिशन में भिन्नता पाई जाती है। इसके फाइबर बंडल में पाए जाते हैं जो फाइबर मटेरियल के तीसरे नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसी वजह से कोरियम मजबूत, लचीला और पोरस होता है और इसे फटने का भी डर नहीं होता। टैनिंग से पूर्व की तैयारियों के दरमियान कुछ नेटवर्किंग बंडल घुल जाते हैं और फाइबर स्ट्रक्चर्स खुल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लचीलापन और पोरोसिटी बढ़ जाती है। इस कड़ी में हमने लेदर की बारीकियों का बखूबी अध्ययन किया और अब आपके लिए चंद सवाल। पहला सवाल, जूता बनाने के लिए लेदर ही सबसे अच्छा क्यों होता है? दूसरा सवाल, तरह तरह के लेदर के बारे में बताएं। तीसरा सवाल, कोरियम क्या होता है? आखिरी सवाल, पिग स्किन किस प्रकार भेड़ के लेदर से अलग होती है? इन सवालों के बाद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई शंका हो तो जरूर पूछ लें। आज के लिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ हमारी अगली कड़ी में।